दूसरी तिलावत मुकद्दस पत्रस का पहला भाग दूसरा भाग। अजीजो, अगर तुम इस तिलावत के तमाचे खाए और सब्र किया तो कौन सा पक्ष है? लेकिन अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो, ये खुदा के नजदीक संजीदा है। बस तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह तुम्हारे वास्ते दुख पाकर तुम्हारे लिए एक नमूना छोड़ गया है, ताकि तुम उसके नक्शे कदम पर चलते हो। उसने ना तो कोई गुनाह किया और ना ही उसके मुंह में कोई मकर ही पाया गया। वो ना तो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर धमकाता था, बल्कि अपने आप को उसकी स्फूर्त करता था जो सदाकत से इंसाफ करता है। वो खुद अपने ही बदन में हमारे गुनाहों को लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि तुम गुनाहों की नस्बत से मरे हुए होकर सदाकत की नस्बत जीते। उसी के लिए मार खाते खाने से तुमने शिफा पाई, क्योंकि तुम बटकी हुई बेड़ों की मालिक थे, मगर अब अपने रूहों के चरवाहे अनकाबान के पास फिर आओगे। पाकलाम के पड़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।